नमस्ते। आज हम पाव बनाएंगे। पाव ब्रेड, दादी पाव, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। रुई जैसे सॉफ्ट पाव हम घर पे ही बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से और कम सामान से। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट बन के आता है तो बहुत ही खुशी होती है। देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं, पीछे से भी और आगे से भी सेम मार्केट की तरह, बहुत ही स्पंजी रुई जैसे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 1 कप गुनगुना दूध। ये दूध इतना गाढ़ा नहीं है, लेने इसलिए मैंने 1 कप दूध लिया। अगर आपका दूध गाढ़ा है, ज़्यादा डबल फैट का है, तो आप उसमें आधा दूध और आधा पानी मिला ले और हल्का सा गुनगुना कर ले। हम दूध उंगली डाले जैसा दूध होना चाहिए। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाल दिए। अब हम इसमें ये मैं 1 पैकेट ईस्ट डाल रही हूँ। ये 10 ग्राम के लगभग होता है। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो उसमें से 1 टेबलस्पून आप ईस्ट डाल दीजिए। शुगर हमने इसलिए डाली ईस्ट के साथ क्योंकि शुगर ईस्ट के साथ ही काम करता है, एक्टिव होता है। ध्यान रखें कि हमारा दूध, जो भी हम दूध और पानी मिला रहे हैं या दूध मिला रहे हैं ले रहे हैं, वो गुनगुना होना चाहिए, तभी हमारा एक्टिव ईस्ट एक्टिव होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा ईस्ट, तो आपका आगे का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं बनेगी ब्रेड आपकी। तो ईस्ट नया होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, तभी आप आगे का प्रोसेस करें। अगर आपका ईस्ट एक्टिव नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस को यहीं छोड़ दें और नया ईस्ट ले लें। अब हम इसको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। देखिए, हमारा ईस्ट एक्टिव हो गया है, इसका प्रोसेस हो गया है। देखिए, अब हम इसमें 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें मिला दूंगी। ये 300 ग्राम के लगभग है 2 कप मैदा। मैंने इसमें मैदे में 1 टीस्पून नमक भी मिला दिया था। इस पूरे प्रोसेस में ईस्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ईस्ट एक्टिव नहीं होगा तो आपका ब्रेड का आटा अच्छे से नहीं बनेगा और आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से, ताकि ईस्ट और आटा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिला लूंगी। आटा बहुत लचीला होता है, इसके साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसको अच्छे से इकट्ठा कर ले। हाथों में चिपकता है बहुत। अब मैं इसमें, ये मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल, टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। इसको हाथ से मैं अच्छे से मसल लूंगी और चिकना कर लूंगी आटे को। ये देखिए, सारा आटा हमने इकट्ठा करके अच्छे से चिकना कर लिया है, स्मूथ कर लिया है एकदम। बहुत अच्छे से इसको मत लेना आटे को।
एकदम शाइन आ जानी चाहिए आटे में। अब इसको हम पीछे की तरफ सारा इकट्ठा करके एकदम लोए, बड़ा सा लोए, आटे का लोए बना के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अब कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारा आटा और ईस्ट दोनों एक्टिव हो जाए और हमारा आटा फूल के डबल हो जाए। फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। 40 मिनट बाद ये देखिए हमारा आटा फूल की कितना डबल हो गया है। इसमें हवा भर गई है आटे में और ये एक्टिव हो गया हमारा आटा। इसने अपना काम कर लिया है। हम अब इसको वापस से हाथों से मसल मसल के अच्छे से कर लेंगे, ताकि वापस ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लोए बना देंगे। मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया, इसके साथ में वापस थोड़ा सा और इसको अच्छे से मसल लेंगे और वापस चिकना कर लेंगे। अब इसको मैं चाकू की सहायता से सबके बराबर भाग कर लूंगी, बराबर पार्ट में बांट लूंगी इनको। ताकि सब में इक्वल आटा जा सके लोई में। आप कोई भी ट्रे ले ले जिसमें आपको ब्रेड बनानी है, छोटी या बड़ी, उसमें इसको लोई बना बना के रखते जाए। अब मैं एक एक लोई लेके इनको बाटी की साइज का, रोटी के लिए जैसे बनाते हैं लोई उस साइज का बनाएंगे। लेकिन हमको इसको पीछे की साइड ही ले जाना सारे आटे को, और ऊपर से एकदम गोल बनाना, चिकना कर देना है इसको, ताकि कोई भी कटिया ना दिखे ऊपर। और इसको पीछे की साइड और पूरा इकट्ठा करके लोहे को ऐसे गोले बना देने। एक एक करके मैं सारे बना लूंगी और ऐसे लाइन से लगा दूंगी। देखिए मैंने सारे बना लिए और थोड़ी थोड़ी गैप में रख दिए। अब आपके पास बड़ी ट्रे हो तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटी ट्रे थी तो मैं इसमें बना रही हूँ। अब मैं इसको वापस 30 से 40 मिनट के लिए एक सूखे कपड़े से ढक के रख दूंगी, ताकि हमारी लोइया जो रखी हमने वो अच्छे से फूल जाए। ओवन में जाने से पहले जितना भी उसको फूलना है, देखिए 30 से 40 मिनट के बाद में हमारी लोइया सारी फूल गई है। अब मैं ओवन में डालने से पहले इसके ऊपर हल्का सा दूध लगा दूंगी ब्रश की सहायता से। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। अब मैंने उसमें ब्रेड रख दी है, अपनी पाव सिकने के लिए रख दी है। मुझे 15 से 20 मिनट लगे इसको सिकने में ब्रेड को ओवन में। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारे और ये ब्रेड सिक्के तैयार है। मैं इसको ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, हल्का ही रखूंगी। मुझे ज्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है पाव में। इसे देखिए पाव गर्म है, मैंने बाहर निकाल लिया इसको अभी। अब हम इसके ऊपर, इसकी ऊपर की परत बहुत कठोर है अभी, तो अब हम इसके ऊपर बटर लगा लेंगे। अच्छे से बटर लगा देंगे, ताकि हमारी ऊपर की परत जो ब्रेड की है तो वो थोड़ी सी नरम होगी इससे, और वो ओवन से हीट होके आई है इसलिए बहुत टफ हो जाती है इसकी ऊपर की परत पाव की। इसलिए हम इसके ऊपर बटर लगाते हैं, चारों तरफ बटर लगा ले अच्छे से,
गर्म, इसलिए मैं ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा गर्म है ब्रेड अभी। अब मैं इसके ऊपर एक गीला कपड़ा, कपड़े को गीले कर लिया है मैंने, पानी नहीं होना चाहिए कपड़े में बिल्कुल भी, ओनली उसको बहुत गीला किया हुआ, पानी निकाला हुआ होना चाहिए, उसको ढक के रख देंगे आधा घंटे तक कपड़े को। कपड़ा गीला रखने से ये होता है कि हमारी ब्रेड जो गर्म होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, और उसकी ऊपरी परत जो टफ थी, बहुत हार्ड थी, वो सॉफ्ट हो जाती है एकदम। यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए से रुकी थी क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे चाकू की सहायता पड़ेगी, लेकिन वो अच्छे से पकी हुई है इसलिए आसानी से निकल गई। देखिए कितनी अच्छी पाव बनी है हमारी, देखिए कितनी अच्छी पाव बनी है हमारी, बिल्कुल मार्केट की जैसी, और बहुत ही फूली हुई एकदम, साइज परफेक्ट, स्पंज परफेक्ट। तो आप भी इस रेसिपी से तरतीब पाव बनाइए, जब भी आपका मन करे बिल्कुल फ्रेश पाव। एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा घर पे ही बनाएंगे फिर इस पाव को। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी जाली बनी है, और बहुत ही अच्छा कलर आया है, कहीं से भी जला हुआ कुछ भी नहीं है, अच्छी सिकाई हुई है बराबर एकदम। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी हुई है अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट पाव बने हैं। मैंने इसको पाव भाजी के साथ सर्व किया है, आप चाहे मिसल पाव के साथ, वड़ा पाव के साथ, या दाबेली के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार पाव बनाइए और फिर रोज नई नई रेसिपी के साथ में उसको सर्व करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।